अभी देखिए कांग्रेस पार्टी में जो विनेबिलिटी जो कैंडिडेट की होगी, जैसे आप रोहतक से भूषण बत्रा जी हैं, हमारे समाज के एमएलए हैं, पानीपत से वरिंदर बुलेशा हैं, करनाल से भीमसेन मेहता जी हैं, ऐसे सोनीपत से भी हमारी सीट बनती है, बड़खल से भी हमारी सीट बनती है, रेणुका खुल्लर है, हमने उनका भी नाम दिया है, पंचकूला में जैसे मैंने खुद से पंचकूला से अप्लाई कर रखा है, ऐसे श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी बनेंगे और उन्होंने पंजाबी समाज के काम भी करे, दो काम उन्होंने हमारे समाज के विशेष तौर पर करे, एक तो हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा देने की नोटिफिकेशन 2010 में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने करी, दूसरा हमारे समाज की मांग थी कि SPGC हरियाणा अलग से बने, उन्होंने वो भी 2014 में अपने समय में हरियाणा में अलग SPGC बनाई। कांग्रेस की तरफ झुकने का कारण समाज का, पंजाबी समाज का सिर्फ यही है कि थे लेकिन बड़े गलत तरीके से ओवरनाइट उनको हटा दिया, उस हटाने की वजह से समाज में नाराजगी आई, आज लोग कांग्रेस की एक कांग्रेस की आहट भी है, हरियाणा में एक ट्रेंड है जो ऐसा लग रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पावर में आने जा रही है। पंजाबी समाज में उन लोगों को मानते हैं जो लोग पंजाबी कल्चर से जुड़े हैं, जैसे जो लोग मोस्टली माइग्रेट होके आए हैं, अरोड़ा खत्री नहीं, हमारे में जट सिख भी है, हमारे में SC भी है, हमारे में BC भी है, हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो वहाँ से आए थे, वो एक कल्चर है, हमें यहाँ के समाज ने आके एक नया नाम दे दिया कि ये पंजाबी हैं। अजीबे भी एक तो हमें राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? मैं कहता हूँ हमारी संख्या के मुताबिक हमें पंजाबी समाज को, हमारे को अर्बन एरिया में हमारे लोगों का प्रभाव ज़्यादा है, हमने बहुत सारी सीटें भी उनको गिन के बताई थी, ये लोग ये सीटें जहाँ पे पंजाबी कुछ मुख्य सीट प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे संसार में पंजाबी कौम का आज नाम है, मार्शल कौम है, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर किसी से कभी कोई लिया नहीं, किसी भी समय की सरकार ने कोई इंसेंटिव या किसी लालच में हमारे बुजुर्ग यहाँ नहीं आए थे, सिर्फ देश की खातिर और धर्म की खातिर यहाँ आके इन्होंने ज़िंदगी शुरू करी और समाज को मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ समाज को बहुत कुछ दिया। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने कल ही चुनाव की तारीख 1 तारीख से 5 कर दी है, अब परिणाम आएगा 8 अक्टूबर को, तो हरियाणा में ज़मीनी स्तर पर क्या समीकरण बदल रहे हैं और अलग अलग समाज की अलग अलग डिमांड है। ऐसे ही एक मैं आपको आज एक व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिनका नाम है अशोक मेहता, जो कि राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी रहे हैं। अभी करनाल में एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ था जिसमें पंजाबी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी से भागीदारी मांगी गई थी, क्या है और कितनी भागीदारी मांगी गई थी और ये भागीदारी ज़रूरी क्यों है? मेहता साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, पिछले दिनों आज से 6 महीने पहले, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, हमारे समाज के ही हरियाणा में BJP के मुख्यमंत्री थे और अनिल विज जी होम मिनिस्टर थे, BJP ने उनको बड़े गलत तरीके से एकदम से हटा दिया, जिसमें समाज में बड़ा रोष था, समाज के बहुत सारे लोगों का हमारे पास मैसेज आए, संदेश आए, क्योंकि मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ तो बहुत सारे अपने समाज के लोगों का संदेश था कि अब के बार हम कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, तो हमने कांग्रेस पार्टी को अप्रोच किया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमें समय दिया जाए, तो उन्होंने चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, उदय पान जी ने हमें 18 अगस्त का करनाल में सम्मेलन करने का एक समय दिया। उस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे समाज के सीनियर नेता हैं आदरणीय सुभाष बत्रा जी ने करी, अशोक अरोड़ा जी चेयरमैन थे, पूरे प्रदेश से लोग आए। जब पूरे प्रदेश से लोग वहाँ आए तो मैंने कन्वीनर था उस प्रोग्राम का, तो हमने समाज की तरफ से मांगे भी रखी आदरणीय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी पे भी, एक तो हमें राजनीतिक तौर पर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कितनी मिलनी चाहिए? मैं कहता हूँ हमारी संख्या के मुताबिक हमें पंजाबी समाज को, हमारे को अर्बन एरिया में हमारे लोगों का प्रभाव ज़्यादा है, हमने बहुत सारी सीटें भी उनको गिन के बताई थी, ये लोग ये सीटें जहाँ पे पंजाबी कुछ मुख्य सीट बताएं। मुख्य सीट बताता हूँ, गुड़गावा है, फरीदाबाद है, रोहतक है, पानीपत है, करनाल है, अम्बाला है, पंचकूला है, नारायणगढ़ है, यमुनानगर है, सिरसा है, हिसार है, फतेहाबाद है, तो करीब 20 हो गई इस तरह। मैं 20-21 सीटें ऐसी चिन्हित थी भी जहां बहुत वोट बैंक कांग्रेस का
पंजाबी समाज का है और ये समाज कांग्रेस पार्टी को वोट देता है तो वहाँ से कांग्रेस पार्टी बड़े अच्छे से मार्जिन से जीत सकती है। लेकिन पंजाबी समाज की जो पॉपुलेशन है जो जनरल उसमें डिस्कस की जाती है वो 7-8% की जाती है, आपका क्या दावा है कितनी? नहीं नहीं नहीं, ये गलत आंकड़ा किसी ने चला रखा है। आप रोहतक शहर के एनालिसिस कर लो, रोहतक शहर में कितने पंजाबी लोग हैं। आप ऐसा नहीं है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो 20% से ऊपर है, 23-24% तक जाती है। आप किस किस को पंजाबी मानते हो, डेफिनेशन बताएं। हम पंजाबी समाज में उन लोगों को मानते हैं जो लोग पंजाबी कल्चर से जुड़े हैं, जैसे जो लोग मोस्टली माइग्रेट होके आए हैं। अरोड़ा खत्री नहीं, हमारे में जट सिख भी है, हमारे में SC भी है, हमारे में BC भी है, हमारे समाज में बहुत सारे लोग जो वहाँ से आए थे, वो एक कल्चर है। हमें यहाँ के समाज ने आके एक नया नाम दे दिया कि ये पंजाबी हैं, तो पंजाबी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें निहित बीच में समाई हुई हैं, कई कास्टें हैं इसमें के अंदर। जो लोग वहाँ से आए थे, एक पंजाबी एक कल्चर है, विरसा है। हमारे पास 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं की हमारे पास बहुत बड़ी धरोहर है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोबिंद सिंह तक 10 के 10 गुरु खत्री थे और उन्होंने इतनी बड़ी गुरु ग्रंथ साहब दिया हमारे को। हमने तो उस दिन सम्मेलन में, जैसे आपने कहा, मांग भी रखी थी कि एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए, तो इतनी हमारे लोगों की हाजिरी थी। आदरणीय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, उसी वक्त अपने संबोधन में अनाउंस कर दिया कि हम मैनिफेस्टो में लेंगे इस डिमांड को और सरकार बनते ही एक पंजाबी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। तो क्या 20 टिकटें देंगे? हमने टिकटें मांगी हैं उनसे, देखिए विनेबिलिटी भी देखनी है उन्होंने, हमारे मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं, उन्होंने ये देखना है भी। हमने टिकटें उनके आगे एक डिमांड रखी है कि हमारे समाज को उचित प्रतिनिधि राजनीतिक तौर पर मिलना चाहिए। तो कितने मिलने की आशा है? हमें जो भी, देखिए कांग्रेस पार्टी में जो विनेबिलिटी जो कैंडिडेट की होगी, जैसे आप रोहतक से भूषण बत्रा जी हैं, हमारे समाज के MLA हैं, पानीपत से वरिंदर बोलेशा हैं, करनाल से भीमसेन मेहता जी हैं, ऐसे सोनीपत से भी हमारी सीट बनती है, बड़खल से भी हमारी सीट बनती है, रेणुका खुल्लर है, हमने उनका भी नाम दिया है, पंचकुला में जैसे मैंने खुद से पंचकुला से अप्लाई कर रखा है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां से हमारे लोगों का हक बनता है और मिलती रही है। सिरसा, अभी BJP की बातचीत की, BJP ने तो एक पंजाबी को मुख्यमंत्री तक बना दिया, गृह मंत्री, हरियाणा में जो टॉप 2 पावर सीट होती हैं वो पंजाबियों के पास थी, लेकिन आप लोगों की नाराजगी अभी पंजाबी। देखिए दो चीज़ें थी, एक तो वे दोनों बने, इन दोनों ने समाज के लिए कुछ नहीं किया। नहीं लेकिन ये तो देखो देखिए मौका मिला, लेकिन मौके को एनकैश नहीं किया, समाज नाराज है। दूसरी तरफ जिस तरीके से उनको हटा दिया उससे समाज और ज़्यादा नाराज था। कांग्रेस की तरफ झुकने का कारण समाज का, पंजाबी समाज का सिर्फ यही है कि थे लेकिन बड़े गलत तरीके से ओवरनाइट उनको हटा दिया, उस हटाने की वजह से समाज में नाराजगी आई। आज लोग कांग्रेस की, एक कांग्रेस की आहट भी है, हरियाणा में एक ट्रेंड है जो ऐसा लग रहा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पावर में आने जा रही है। तो हमारा समाज तो बहुत एडवांस समाज है, सभ्य समाज है और इस बात को उन्होंने महसूस कराया, समाज ने, हमारे सब लोगों से कॉन्टैक्ट किया, हमने सम्मेलन रखा, सम्मेलन में उन्होंने अपनी हाजिरी से साबित कर दिया भी कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार समाज जाना चाहता है और जा भी रहा है। तो खट्टर साहब और गब्बर सिंह, जिनको गब्बर सिंह भी नाम दिया गया था, अनिल विज, उनको हटाने से आप ये कह रहे हो कि BJP से आपका समाज नाराज है। दो बातों से नाराज, एक तो वो खुद परफॉर्म नहीं कर पाए और दूसरा उनको हटाया इस तरीके से जिससे कहीं ना कहीं समाज को लगा कि हमें ठग लिया गया। बिल्कुल, समाज ने तो अपने आप को बहुत आहट महसूस करी। रादर मैं आपको कहूँ भी, वो मुख्यमंत्री थे और होम मिनिस्टर थे, उनको रातों रात हटा दिया, इससे लोगों में नाराजगी थी। दूसरी नाराजगी ये भी थी कि समाज को बहुत सारी उम्मीद थी उनसे कि वो समाज के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो कर ही नहीं पाए, उन्होंने कुछ नहीं करा। इस वजह से लोगों में ये बात महसूस हुई भी हमने तो गलत आदमी चुन दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक पंजाबी को प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उससे पहले भी गुजराल साहब रहे, क्या हरियाणा में जो सबसे बड़ी कुर्सी है मुख्यमंत्री की, क्या मौका मिल सकता है? नहीं, अभी उस तरह की कोई बात हमारे बीच में नहीं है, ना को उस तरह का कोई अभी नेतृत्व निकल के आ पा रहा है। अब देखिए जो कांग्रेस की लीडरशिप है, नेता प्रतिपक्ष है, आज जो प्रदेश में जो हम लोग महसूस करते हैं वो आवाज़ ही वही महसूस करते हैं कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी बनेंगे और उन्होंने पंजाबी समाज के काम भी करे। दो काम उन्होंने हमारे समाज के
विशेष तौर पर करें। एक तो हरियाणा में पंजाबी भाषा को दूसरा दर्जा देने की नोटिफिकेशन 2010 में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने करी। दूसरा, हमारे समाज की मांग थी कि SPGC हरियाणा अलग से बने, उन्होंने वो भी 2014 में अपने समय में हरियाणा में अलग SPGC बनाई, जिससे हमारा सिख समाज हमारे में कई लोग तरह की बात करते हैं, सिख तो हमारे परिवारों में कल्चर था जब हम अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में रहते थे कि घर का बड़ा लड़का हो तो सिख होता था, ये तो हमारे परिवारों में कल्चर था, बड़े लड़के को सिख बनाते थे। तो वो यह हरियाणा SPGC अलग से बने, इसके लिए डिमांड थी हमारे समाज के लोगों की, तो चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने वो भी पूरी करी। ये क्यों लगता है कि पंजाबियों को राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं मिली तो कहीं वो पिछड़ जाएंगे? नहीं नहीं, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर आप सरकारें कैसे बनती हैं, समाज से ही तो लोग चुन के जाते हैं, जिस समाज का ज़्यादा प्रतिनिधित्व होता है वो समाज की उतनी ज़्यादा देख रेख कर सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है, उनके हकों की रक्षा कर सकता है। आप हमारे समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तभी तो हम कर पाएंगे ना, राजनीति में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी के अंदर तो जो लोग सभा संगठन जिसकी ज़्यादा अहमियत होती है, जिसकी ज़्यादा संख्या होती है, वही लोग राज करते हैं। आप अच्छा, ये जो पंजाबी के अंदर जो अलग जगाई है उसमें हमारे रोहतक के स्थानीय नेता सुभाष बत्रा जी, उनका क्या योगदान है? उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो हमारे समाज के शरोमणि हैं, मैं तो उनको हमेशा कहता हूँ। तो जैसे अकाल तख्त होता है वहाँ पर, वो हमारे तो तख्त ताज हैं, बहुत बड़ा उन्होंने सेक्रीफाइस भी दिया है, बहुत बड़ा काम भी किया और हमेशा करते हैं। मुझे तो अब जो 18 तारीख का सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता उन्हीं की देखरेख में पूरे प्रदेश से लोग आए थे। तो ये थे हमारे साथ अशोक मेहता जी, जिन्होंने बताया कि इस बार कांग्रेस पार्टी से कम 20 ऐसी सीटें हैं जहां पंजाबियों का प्रभाव है और कांग्रेस पार्टी को कंसीडर करना चाहिए पंजाबी समाज से ही किसी भी व्यक्ति को टिकट देने की। जिस दिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस दिन हम इस बात का दोबारा एनालिसिस करेंगे, मेहता साहब से दोबारा टाइम लेंगे और बातचीत करेंगे, उसके बाद इनकी क्या रणनीति होती है वो भी आपको अपडेट देंगे। मेहता साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद।